Hey guys, welcome to Cherry and her crazy ideas. And I'm going to do a Avon haul part 2. In fact, ये मेरा second Avon haul है. And आपको भी पता है कि मुझे Avon के products इतने ज़्यादा पसंद है. और मैं Avon का business भी करती हूँ. I sell Avon के products. तो मैं खुद के लिए भी मंगाते रहती हूँ. क्योंकि अगर मैं खुद use नहीं करूँगी तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगी कि कौन से product अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं. सो मेरा इंस्टाग्राम पे भी स्टोर है Avon Cherry बोल के, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन Avon प्रोडक्ट्स. तो इस बार भी मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई है Avon से एंड बहुत अच्छी पैकेजिंग में मुझे ये डिलीवर हो गया था. कुछ चीज़ें अपने लिए है, कुछ चीज़ें गिफ्ट के लिए है और कुछ तो मेरी मम्मी के लिए है. जैसे ये जो प्रोडक्ट है Avon का रिवर्सलिस्ट रेंज जो कि रिंकल के लिए है एंड इसके बारे में काफ़ी सुना था. तो पहले इसको मम्मा यूज़ कर लिए, उसके बाद मैं इसका रिव्यू आपको बताऊंगी अगर अच्छा हुआ तो. एंड ऑफकोर्स आपको पता है कि हमेशा Avon के साथ आपको कुछ ब्रोशर मिलते हैं, जो कैटलॉग मिलते हैं हर मंथ के हिसाब से, इसमें प्राइसिंग का डिफरेंस होता है. तो ये चीज़ वो है. तो इनमें से सारी चीज़ें मैंने मंगवाया है. और ये जो रिवर्सलिस्ट रेंज है इसका रिव्यू मैं आपको 2 महीने के बाद ही दूंगी अगर मेरी मम्मी पे कुछ अच्छा मैजिक होता है तो, और नहीं भी होता तो भी दे दूंगी बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट गाइस. मूविंग ऑन, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी जो मैंने Avon से लिया है. और आप देख ही सकते हो यहाँ पे कुछ सोप एंड ये जो ग्रीन वाली सोप है Avon नेचुरल्स का डिओडराइजिंग बार सोप. OMG, ये मेरे पापा का फेवरेट साबुन हो गया है. मतलब मेरे पापा काफ़ी सिंपल आदमी, मार्गो वगैरह यूज़ करते हैं, बट जब से ये वाला Avon नेचुरल्स डिओडराइजिंग सोप उन्होंने यूज़ किया ही इज़ अ फैन. एंड हमेशा उनका ये उन्हीं का ऑर्डर है, उन्हीं ने मंगवाया है क्योंकि एक दो बार उन्होंने ट्राई कर लिया है. तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देख लेना बिकॉज वेरी गुड. ना ये वाला Avon का एक्सफोलिएटिंग बार सोप है, साबुन में ही स्क्रब है. तो वैसे तो लोग बॉडी स्क्रब वगैरह यूज़ करते हैं, बट मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगती है और इतना मेरे से होता भी नहीं है. तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि अगर एक सोप में ही आपको स्क्रब भी मिल जाए तो बहुत सही है. तो पहले तो मैं बायोटिक का यूज़ करती थी, ऑरेंज वाला, वो बहुत ही अच्छा था बाय द वे. बट अभी मैं Avon का भी ट्राई कर रही हूँ. तो इसका अगर अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हुआ, तो रिव्यू मैं दे दूँगी. तो इंस्टाग्राम पर भी आप चेक करते रहना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. एंड लेट मी टेल यू, ऑफर में मिल रहे थे ये वाले सोप, तो ये तो मेरा अल्टीमेट फेवरेट सोप है पपाया का. एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट, मेरा स्किन टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हो गया इसको यूज़ करने से. तो मैं इसको अपने लाइफ में अब बिल्कुल अच्छे से शामिल कर चुकी हूँ. एंड इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था, बहुत जन ने इसको देखा है एंड बहुत जन ने मुझसे Avon पपाया सोप ऑर्डर भी किया है. तो आप इसका वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से बिफोर आफ्टर सारी फ़ोटोज़ अटैच करके इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया. ये एक मामूली साबुन नहीं है गाइस, ये काफ़ी सही चीज़ है. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. OMG, दिस इज़ द टुमारो परफ्यूम बाय Avon. इसका मैंने लग्जरी बॉडी वॉश पहले यूज़ किया हुआ है एंड उसका फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा अच्छा था गाइज कि आई हैड टू परचेज द EDP. तो ये मैंने, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2100 है बट इसका प्राइस, बट अगेन डिस्काउंट में मिल जाता है, सो डोंट यू वरी. एंड बहुत ही अच्छा परफ्यूम है. इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं इसके नोट्स एंड एवरीथिंग के बारे में बात करूँगी. सो चिल. नाउ दिस इज़ Avon का ट्रू कलर परफेक्टली मैट लिपस्टिक एंड इसका जो शेड है वो है मॉव एंड इट इज़ प्राइस्ड एट 449 rupees, बट अगेन ये डिस्काउंट पे मिल जाता है. इसका जो फॉर्मूला है OMG, इट्स सो बटरी, सो स्मूथ एंड जो शेड है काफ़ी अच्छा है. ये मेरी मम्मी ने अपने लिए मंगवाया है. स्टेइंग पावर है इसका, 3 से 4 घंटे आराम से स्टे कर जाता है ये. OMG, दिस इज़ द बिग जेल पेंट पेंसिल बाय Avon एंड दिस इज़ बेसिकली जेल आई लाइनर्स एंड ये बहुत बहुत अच्छा है. इसका तो मैं एक अलग से रिव्यू करूँगी. ब्लैक, ग्रीन एंड कॉपर कलर मंगवाया है. OMG, इट्स सो गुड आई टेल यू. इट्स वेरी स्मूथ, जेल बेस्ड एंड स्मच फ्री है, वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, बहुत सही है. इस पर तो अलग से रिव्यू बनाना बनता है. नाउ दिस इज़ द Avon नेचुरल्स बॉडी केयर. ये मिल्क एंड हनी का वो है बॉडी लोशन एंड इसका मैंने छोटू वाला यूज़ किया था, ये अब थोड़ा बड़ा वाला मैंने मंगवाया है बिकॉज ठंडी सीजन इज, विंटर इज़ कमिंग ऑफ कोर्स. एंड इसके जो डब्बा का स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड OMG, इसका जो फ्रेगरेंस है सो गुड. Avon की सारी चीज़ें बहुत अच्छा वाला फ्रेगरेंस सेंट होता है उनमें. प्राइस इसका जो भी होगा इस मुझसे आप लोगे तो आपको हमेशा ये डिस्काउंट में मिल जाएगा. एंड बहुत अच्छा ये लोशन है, लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज करता है बिकॉज आई एम फ्रॉम अ ड्राई स्किन फैमिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है एंड दिस लोशन हैज़ हेल्प मी, इसलिए मैंने इसका बड़ा वाला डब्बा मंगवाया है.
और बेस्ट बात यह है कि लगाने के एक डेढ़ घंटे तक जो इसका फ्रेग्रेंस है वो आपके स्किन पे रहता है। नाउ दिस इज द एवॉन ब्लैक शू टच परफ्यूम के कलेक्शन से, ये जो है उनका डिओड्रेंट है एंड इसको मैंने गिफ्टिंग के लिए लिया था एक जन के लिए एंड OMG सो गुड। जिसको भी मैंने ये गिफ्ट किया है ही इज इन लव विद दिस परफ्यूम। दिस इज़ फॉर मेन एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिव है, काफ़ी सही है, यू नो एकदम डेट अप्रोप्रिएट है। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एंड ये डिओड्रेंट है फिर भी इसका जो स्टिंग पावर है 7-8 घंटे तक रहता है, तो गिफ्टिंग के लिए काफ़ी सही चीज़ है, तो देख लो आप लोग। दिस इज़ ऑल्सो फॉर मैन एंड इसको भी मैंने गिफ्ट के लिए ऑर्डर किया था। दिस इज़ द एवॉन का इंटेंस नो गैस डिओ कम परफ्यूम स्प्रे, जो कि ये डिओ एंड परफ्यूम का मिक्सचर है और इसमें कोई भी गैस वैस नहीं है। इनफैक्ट ये डिओ कम ही है, परफ्यूम ज़्यादा है बिकॉज इसका जो स्टेइंग पावर है वो 12 घंटे तक रहता है। बिकॉज जिसको भी मैंने गिफ्ट किया उसने यूज़ किया नहीं, उसको यूज़ करके ही मैं आपको उसका रिव्यू दे रही हूँ। एंड ये बहुत सारे अलग अलग वेरियंट में आता है एंड इंटेंस का जो है वो मेन के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है और अलग अलग डिज़ाइंस अलग अलग फ्लेवर्स है। फ्रेग्रेंस इसका काफ़ी सही है, लगाने के 2 मिनट के बाद बहुत फ्रेश फ्रेग्रेंस आता है। जो भी चीज़ अगर आपको लेनी तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर सबसे बेस्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एवॉन चेरी पे। वहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स एंड सारी डिटेल लगाती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड डोंट यू वरी, आई एम अ सर्टिफाइड एवॉन रिप्रेजेंटेटिव एंड सारे प्रोडक्ट पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता ही है। एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चेरी एंड हर क्रेजी आइडियाज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।